लॉकडाउन को लेकर जिले भर में खाद्य सामग्रियों की दुकानों पर हो रही कालाबाजारी पर नकेल कसने और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन कराने को लेकर मापतौल विभाग की ओर से शहर में जगह जगह दुकानों में छापेमारी की जा रही है। मापतौल इंस्पेक्टर AK पांडे के नेतृत्व में विभाग के अधिकारी एवं कर्मी सोमवार को भिकनपुर त्रिमूर्ति चौक, मोजाइतपुर, गुरट्ठा चौक समेत कई जगहों पर छापेमारी कर खाद्य सामग्रियों एवं उनके मूल्यों की जाँच की। जांच के दौरान इंस्पेक्टर अजय कुमार पांडे ने दुकानदारों को सभी सामानों का प्राइस लिस्ट दुकान के बाहर लगाने और तय कीमतों पर ही सामान बेचने का सख्त दिशा निर्देश दिया। मूल्य से अधिक कीमत लेने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने एवं बिना तय मूल्य वाले सामान को नहीं बेचने का निर्देश सभी दुकानदारों को दिया। इंस्पेक्टर AK पांडे ने कहा कि लॉकडाउन में लोगों को उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध हो और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराने के लिए खाद्य सामग्री की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। बिना अंकित मूल्य वाले सामग्रियों को जब्त कर सील किया जा रहा है, जिससे ग्राहकों से दुकानदार मनमानी कीमत न वसूल सके। इस मौके पर कहलगांव के मापतौल इंस्पेक्टर दीपक कुमार दीपू, सहायक नियंत्रक गणेश कुमार, डिप्टी कंट्रोलर प्रभाकर भारती, संजय कुमार भी मौजूद थे। ये लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भागलपुर वेट्स मेजर डिपार्टमेंट है। हम लोग को जिला पदाधिकारी के आदेश अनुसार और विभागीय वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में जो भी अभी ये दुकान खुले हुए हैं, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, फल सब्जी, इन लोग मूल्य से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं या वजन में कम दे रहे हैं, इसकी जांच हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कल भी हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग पर केसेस भी हुआ है, सीजर भी हुआ है और आज के लिए अभियान चल रहा है। जहाँ जहाँ गड़बड़ी दिख रहा है उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर ये तो उनको हिदायत भी दे रहे हैं कि क्या क्या फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कुछ निर्देश दे रहे हैं, हम लोग तो मेंटेन कर रहे हैं। देश में जारी लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को रोकने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने जिले की सीमाओं को सील करने का निर्देश दिया है। सोमवार को भागलपुर से सटे 14 जगहों पर DM प्रणब कुमार के आदेश पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इधर लॉकडाउन का पुलिस पदाधिकारी सख्ती से पालन करा रहे हैं। शहर के तिलकामांझी चौक, कचहरी चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, ततारपुर चौक, स्टेशन चौक समेत कई जगहों पर पुलिस जवानों ने घर से अनावश्यक निकलने वालों की जमकर क्लास लगाई और आर्थिक दंड भी लगाया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की बात कही। रोग के आदमी को पूछा जा रहा है कहाँ जाना है, जाने के बाद उन आदमी से पूछ के बताया जाता है कि हमको सब्जी लाना जाना है, चाहे दवाई ले जाओ, कोई पुर्जी दिखाते हैं तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। रोग का हर एक आदमी से पूछा जा रहा है और पूछ के उसके बाद संतुष्ट होने के बाद उनको छोड़ दिया। लॉकडाउन को लेकर क्या अपील करेंगे? लॉकडाउन के लिए आप घर में बने रहिए, जरूरी काम हो तब आप निकलिए, नहीं तो घर में बने रहिए। एक तरफ जहां लोग वैश्विक महामारी से त्रस्त हैं, वहीं कुछ लोग जरूरतमंदों की सहायता दिल खोल कर कर रहे हैं। लॉकडाउन होने से कई घरों में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 32 के पार्षद हंसल सिंह ने सोमवार को कई असहाय लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। पार्षद ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच चावल, दाल, आलू और अन्य सामानों का वितरण किया। पार्षद प्रसन्नजीत कुमार सिंह ने कहा कि वार्ड की जनता भूखे न सोए, इसी को लेकर राहत पैकेट बांटा गया। वहीं लॉकडाउन को लेकर पार्षद ने सभी लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की और कहा कि आपदा के महासंकट से देश की जनता तभी सुरक्षित रह सकती है जब हम एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। आज मैं अपने वार्ड में अत्यंत गरीब, जिसके यहाँ 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, उसको मैं 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2.5 किलो आलू, 1 नमक का पैकेट और 1 साबुन बांट रहा हूँ। साबुन इसलिए बांट रहा हूँ कि हर आदमी अपने घर में हाथ अच्छे से धोए और कोरोना वायरस को दूर भगावे। और मैं यहाँ के जनता से भी हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और कोरोना को भगाने में प्रधानमंत्री को योगदान दें। जहाँ तक हो, अगर हम लोग अपने घरों में रहेंगे तो कोरोना वायरस अपने आप भाग जाएगा। नोबेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से कैसे बचा जाए, इसको लेकर सरकारी और गैर सरकारी स्तर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के समीप जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से सोमवार को हेल्प डेस्क लगाया गया।
हेल्प डेस्क में सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अस्पताल से लौट रहे और अस्पताल जा रहे लोगों को कोरोना की जांच कराने के लिए प्रेरित किया। साथ ही डॉक्टर अजय ने लोगों से बिना कारण घर से नहीं निकलने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी नियम और कानून का पालन करके कोरोना के महासंकट से बचा जा सकता है। एक्चुअली अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है तो सभी लोग गरीबों में खाना बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोरोना के संभावित मरीज हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये दिल्ली से आते हैं, अपने गांव भी नहीं घुस पाते हैं, उनको पुलिस उठा के ले आती है और जांच कराती है, जो जरूरी भी है, लेकिन उनके लिए कोई मदद नहीं हो रहा है। और वो कहाँ जाँच कराएंगे, कैसे कराएंगे, मायागंज में किधर जाएंगे, ये सब बातों की जानकारी कर रहे हैं, दे रहे हैं। प्लस जो लाइन में खड़े रहते हैं वहाँ जाँच हेतु, उनके लिए भी हम लोग ने एक एक मीटर की दूरी पर सैकड़ों गोल गोल बना चुके हैं। और यहाँ भी हम लोग वो कन्विंस करने वाले हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से एक मीटर नहीं, आप दो मीटर की दूरी पर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। और हाथ कहीं नहीं टच करें, खास करके आपके दांत में, मुँह में रुमाल, गमछी, मास्क जरूर रखें। एक तरफ जहां भागलपुर जिला प्रशासन और नगर निगम कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में तरह तरह की झूठी अफवाह भी फैला रहे हैं। दरअसल नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में संदिग्ध या दूसरे जिले से आए व्यक्तियों के घरों पर लाल नोटिस लगाया जा रहा है, जिसमें संबंधित घरों के व्यक्ति से दूसरे लोगों को 14 दिनों तक परहेज करने को कहा गया है ताकि कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। लेकिन इसी नोटिस की आड़ में कुछ लोग सोशल मीडिया पर कोरोना पॉजिटिव केस से जोड़कर अफवाह फैला रहे हैं। वहीं नगर निगम के टैक्स प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि निगम के द्वारा समाज की सुरक्षा के लिए बाहर से आए व्यक्तियों के घरों को चिन्हित कर क्वारंटाइन नोटिस लगाया गया। इधर सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र है। कोरोना पॉजिटिव केस की अफवाह फैलाने वालों पर जिला प्रशासन कभी भी कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए सिल्क टीवी आप सभी लोगों से अपील करती है कि आप सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह न फैलाएं और कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने में प्रशासन का सहयोग करें। घर पर रहने की अपील कर रहा हूं, जिसके तहत हमने लाल नोटिस चिपकाया था, जिसको कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर छोड़ दिया और यह लिखकर छोड़ दिया कि यह सारे के सारे परिवार इनके पॉजिटिव हैं, कोरोना के पॉजिटिव हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर अपना स्वास्थ्य का जांच कराया, सारे लोगों का निगेटिव है, उससे डरने की कोई बात नहीं। आम लोगों से निगम यह अपील कर रही है कि यह लाल नोटिस जिनके घर पर चिपकाया गया है वह संदिग्ध माने जाते हैं, लेकिन उनसे डरने की बात नहीं है, उनसे लोग परहेज करें और उनको घर में लोग रहने की हिदायत करें। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे एक मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के अध्यक्ष अनुराधा खेतान, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी ये अपील है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो समस्या हमारे अभी देश पर आ गई है उससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ से परहेज करना है। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, मास्क लगाकर हमेशा रखना है। कोशिश करिए कि हम घर में भी आपस में बात करें तो मास्क लगाकर बात करें, और मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया है उसमें उनका पूरा सहयोग हमें करना है और हमें घर से बिल्कुल नहीं निकलना है। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए हमें हर परहेज को करना ही, हमारे जीवन को बचाना है। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी,
कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर, सजौर, नाथनगर, भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार एवं डीएसपी परवेंद्र भारती द्वारा बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एसडीओ मुकेश कुमार एवं अन्य अधिकारी की देखरेख में बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कर यात्रियों को उनके संबंधित प्रखंड क्षेत्र में भेजा जा रहा है। नारायणपुर प्रखंड सीमा क्षेत्र पर एसडीओ, डीएसपी, डीटीओ, सीओ एवं भवानीपुर पुलिस ने नारायणपुर पीएचसी से जांच कराकर लौटने वालों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया और कोरोना से बचाव के लिए सभी को कानून का पालन करने की बात कही। एसडीओ मुकेश कुमार ने कहा कि विभिन्न जगहों से नवगछिया की सीमा में आने वाले व्यक्तियों की जाँच कराई जा रही है, जिससे संक्रमित व्यक्ति की पहचान की जा सके। साथ ही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस बस में कुछ भागलपुर के एकीश थे और 17 थे, उसको हम लोग जिस ब्लॉक में थे यहाँ से हम लोग उस ब्लॉक में भेज रहे हैं। कितने लोग अंदाज थे सर? एक बस में 21 आदमी थे, दूसरे बस में 17 आदमी थे, और ही बस आने वाली है। सभी का हम लोग स्क्रीनिंग करवा करके बॉर्डर पर, रायनपुर बॉर्डर पर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने गाड़ी से उसके ब्लॉक में भेज रहे हैं। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 26 में एक पखवाड़ा पूर्व सुअरों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब तक नहीं रुका है। ऐसे में लोगों को कोरोना वायरस के बजाय दूसरी महामारी फैलने का भय भी सताने लगा है। वहीं वार्ड की समस्या को लेकर पार्षदपति संजय कुमार तांती भी काफी परेशान दिख रहे हैं। पार्षदपति ने कहा कि सुअरों की मौत ने जहां लोगों की नींद उड़ा दी है, वहीं लॉकडाउन के बाद वार्ड की जनता के बीच खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। समस्या तो यहाँ तो लगातार इधर शुगर भी मर रहा था, 200 की संख्या में शुगर भी मरा, जिससे संक्रमण भी फैला हुआ है। और एक बात है कि अभी जो नया जो कोरोना जो फैला हुआ है, इससे मोहल्ले वासी बहुत बोला जाए डर महसूस कर रहा है। बगल में हॉस्पिटल रहने के कारण ज़्यादातर सफाई कर्मी से लेकर नर्स हुआ, आपका मेडिकल स्टाफ, मेडिकल का चलाने वाला जो भी दुकानदार है, सभी वार्ड 26 से ही आता, जिससे ज़्यादा यहाँ पे संक्रमण का खतरा है। सेंसिटिव इलाका होने के कारण इस पे विशेष प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे ध्यान दिया जाए। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा गरीब प्रभावित हुए हैं, इनके सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से रात दिन गरीबों की सेवा में लगे हैं। इसी कड़ी में एक नाम मिशन भोग आटा के निदेशक नवीन कुमार एवं आशीष मानी का है, जो सबौर क्षेत्र में असहाय लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। दोनों युवा जाति संप्रदाय के बंधन से ऊपर उठकर मानवीय सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं, जिसमें इनका सहयोग सबौर के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी भी कर रहे हैं। नवीन ने बताया कि लॉकडाउन को देखते हुए जुग्गी झोंपड़ी के 500 से अधिक परिवारों के बीच भोजन का वितरण किया गया है। वहीं आशीष मानी ने कहा कि सबौर NH80 ब्लॉक चौक, राजपुर, चंदेरी, खानकित्ता और झुघुरिया पंचायत में उनके सहयोगी लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग अभी जान रहे हैं, पूरा विश्व जान रहा है कि कोरोना बीमारी एक महामारी के रूप में फैला हुआ है, जिससे बचने की सभी को आवश्यकता है, और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आह्वान किया है कि लॉकडाउन रहें, कोई अपने घर से ना निकले, सुरक्षित रहें, जितना घर के अंदर रहेंगे उतना सुरक्षित महसूस करेंगे, और यह चीज़ आपके लिए सेफ्टी भी होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जो दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर हैं या जो कि झोपड़ी में रहने वाले गरीब हैं, जो कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें खाना की दिक्कत हो रही है, हर प्रकार की किल्लत हो रही है, तो हम लोगों ने एक अपना मिशन छोटा सा कदम उठाया ताकि लोगों के बीच खाना पहुंच सके।
और इसके लिए हम लोगों ने आज हम और हमारे मित्र नवीन कुमार ने करीब 500 पैकेट खाने की व्यवस्था की और सबूर अंचलाधिकारी और हमारे सबूर के जो थानाध्यक्ष हैं थाना प्रभारी हैं उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया सहयोग दिया इसको बांटने में जो कि हम लोग घर घर जाकर के हर झोपड़ी वाले को सड़क पर गुजरते हुए राहगीरों को जो बहुत दूर से पैदल चले आ रहे हैं उनको खाना दिया अपने हाथों से दिया और आने वाले समय में हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि और सहयोग किया जाए। लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों को जीवन यापन करने में काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है। वैश्विक महामारी के कारण लोगों का घरों से निकलना पूरी तरह से बंद है। दिहाड़ी मजदूरों की समस्या को देखते हुए सोमवार को तेलहंदा गांव निवासी मधुसूदन मिश्रा के नेतृत्व में आरके एसोसिएट कंपनी के कर्मियों द्वारा जरूरतमंद गरीब परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही सभी लोगों को घरों में रहने, साबुन से हाथ धोने एवं बातचीत के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की अपील की गई। मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि 70 परिवारों के बीच 21 दिनों का राशन वितरण किया गया है। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड स्थित मिर्जापुर गांव में रविवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते देखते 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लॉकडाउन के बाद सभी ग्रामीण एकत्रित हुए और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलते ही इसीपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार, सीआई पंकज पोद्दार मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग कैसे लगी यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। सोमवार को कहलगांव अनुमंडल के मोहनपुर पंचायत स्थित कई गांव को सैनिटाइज किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद शाह ने बताया कि गांव में संक्रमण नहीं फैले जिसको लेकर अपने स्तर से पूरे गांव में अभियान चलाकर सैनिटाइज करने के साथ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है।